ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जो चार सिंबल है वो हमने कर लिए, ए सिंबल कर लिए, दोनों ए सिंबल कर लिए, जो ए सिंबल जो लॉन्ग प्रोनाउंस होता है, जैसे ये ए स्वा, ये ए और साथ में आ, ये सिंबल हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे आ के बाद में आता है ई, तो ई सिंबल के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको लास्ट वीडियो समझ में आ रही है, सारा जितना मैंने आप अभी तक आपको बताया है, पढ़ाया है, वो आपको आ रहा है। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हो, अगर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आप अगर प्रैक्टिस भी करते हो, तो 100% श्योरिटी के साथ मैं बोलूंगी कि आप जो रीड फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में जो भी आपके फोनेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आप 100% उसको कर पाओगे, कहीं भी कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। ये जो 5, 4, 5, 6 के लगभग जो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके 100% आपके यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। तो ध्यान से आप वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं अपना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का अपना टॉपिक, और इसमें अपना सिंबल है आज ई। ई ई का मैंने सिंबल आपको ये बताया था, छोटी ई का, ठीक है। तो इस ई को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब भी हम अपना प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जहाँ पे हम ई प्रोनाउंस करते हैं छोटी ई, तो ये ई आता है। इसके अलावा अगर हम इसमें रूल की बात करें, तो कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट होगा, देन ये ई सिंबल अपना आता है। अपन ई वर्ड का भी कई बार क्या होता है, ई को हम ए भी प्रोनाउंस करते हैं और ई भी प्रोनाउंस करते हैं, तो वो प्रीफिक्स के रूप में एक अलग चीज है। बट कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट है तो हम ई ही प्रोनाउंस करते हैं। एक्सेप्शन भी इंग्लिश में मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली अपन 95% ये चीज है वो हम बोल सकते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल, सबसे इजी अपना ये जो ई साउंड होता है। देखो छोटा सा लिखा है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में सिट, सिट, सीट नहीं बोले, सीट बोलते हैं तो बड़ी ई हो जाती, सिट। सह, सह का ई हो गया ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, टेन, सिट, एकदम नॉर्मल सा छोटा सा सिंपल सा बहुत ही इजी सिट। ये देखो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया आपने लिटररी, क्या बोलते हैं लिटररी। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट, यहां तक हम सोल्व करते हैं लिट तक। तो ले का हो गया ई की मात्रा, ये हो गया टेन। देखो लॉन्ग स्पेलिंग दिखते ही हमें डरना नहीं है, हमें थोड़ा टुकड़ों में उसको करना है सोल्व। तो ये देखो ये तो हो गया अपना लिट, यहां तक हमने कर लिया लिटर। तो इस ए का ये अपना ये हो जाता है, तो हमें लिखने की जरूरी नहीं, यहाँ पे आती लीटर रे हम बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे हम रे बोल रहे हैं, यहाँ पे लीटर तक नहीं है, लिटररी आगे और है टर लीटर। अगर ये लगाएं देन ओके, नहीं लगाएं तो भी चलेगा। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो कोई भी स्पेलिंग जब होते हैं उसके लास्ट में जब ए आर वाई अगर हो, ए आर वाई, नोट कर सकते हो आप अपनी नोटबुक में ए आर वाई, वैसे अलग भी मैं आपको लिखवाऊंगी, ये जहाँ पे हम रूल पढ़ेंगे सारे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, एल ई डब्ल एस वाला भी बताया, एल ई डब्ल एस का होता है, ए टी आई ओ एन का होता है, बहुत से वर्ड होते हैं सारे एक साथ लिखवाऊंगी। लेकिन ये सोल्व कर रहे हैं तो इसका थोड़ा बता दूं मैं, अगर स्पेलिंग के लास्ट में ए आर वाई हो तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अरी हो जाता है। क्या होता है अरी, ए आर वाई का अरी हो जाता है। तो यहाँ अब हमें डरने वाली कोई चीज ही नहीं है, बड़ी स्पेलिंग है तो क्या हुआ लिटर जी, ये लो ए आर वाई का हमने साथ में सोल्व कर दिया और यहां तक हमने लिट तक, तो अपना रूल वाइज हो ही गया। ये एर, ये इसका तो ए तो हम यहाँ लिखे तो ठीक है, अब हमने ये आर क्यों लिखा है, नहीं तो हम आर नहीं लिखते, ई आर का आर हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्पेलिंग आर पे खत्म हो रही है, स्पेलिंग के लास्ट में हमें और भी आगे वर्ड मिल रहे हैं इसलिए हमने आर लिखा है। उनमें क्या था जो हमने लास्ट पढ़ा था, आर पे स्पेलिंग खत्म ही हो रही थी, जब स्पेलिंग खत्म हो रही है ई आर आर या ओ आर पे, तब हम वो ए को लिखते हैं, आर हम ब्रैकेट में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग और भी है अपने पास में, ए आर वाई भी आगे है, देन हमने आर लिखा है और ए आर वाई का हमने अरे लिखा है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये नहीं कि हमें ये आर तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ ए लगाएंगे, तो ये नहीं होता, क्योंकि आर पे स्पेलिंग खत्म नहीं हो रही, अपने ए आर वाई और भी है आगे, इसलिए हमने आर को यहाँ पे लिखा है, लिटररी हो गया ये। सिग्नल देखो, सिग्नल शुरू करते हैं सी, एस में ए की मात्रा है, ये हो गया सी, गए
गया का ये सिंबल बताया था सिग्नल, ये हो गया सिग्नल। एल लास्ट में ये है तो हम ए लिखते हैं सिग्नल, सिग्नल। नल नेल नहीं बोल रहे, नहीं नहीं बोल रहे, सिग्नल लास्ट में आते ही ये ए हो गया। और ये जो हमारा स्ट्रेस है वो यहाँ लॉन्ग वर्ड जो हम प्रनाउंस करते हैं वहां पे आता है, इसमें भी यहाँ पे आता है। तो ये हो गया सिग्नल। शिप छोटा सा है, शिप, शे, संकर वाला एस है, शे का मैंने क्या बताया था, इस शे का मैंने आपको सिंबल ये वाला बताया था। तो यहाँ हम ये ही शिप यहाँ पे शे बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये ई की मात्रा शिप पै, ये हो गया शिप का हमारा ड्रेस्क्रिप्शन। इसके बाद में देखो सिंग, अब ये सिंग और सिंगर वाला देखो बहुत जरूरी है आपको ध्यान करना थोड़ा सा। सिंग कैसे, सिंगर कैसे, दोनों चीजें बताऊंगी। पहले सिंग का देखते हैं अपन। सिंग, सी बार बार आ रहा है सी अपना, सिंगर, एन जी साथ में है, जहां पे एन जी साथ में हो, देखो ये एन जी साथ में है ना, तो एन जी जहां पे साथ में हो वहां पे इसका अंग होता है इस तरीके से, सिंगर। और वैसे मैंने ing का तो ये बताया ही था, तो यहाँ पे भी तो ing है, तो सिंग ing का मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस तरीके से किया जाएगा। ing का हो तो ऐसे, मैंने ये सिंबल आपको बताया था कि जब भी ing हो स्पेलिंग के लास्ट में, ये तो पूरी स्पेलिंग ही है, लास्ट में क्या है ये तो पूरी सिंग ही है, लेकिन ing का मैंने अलग भी आपको बताया था ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हमने लिख दिया सिंग, कोई कंफ्यूजन वाली इसमें चीज ही नहीं है। के बाद में हम देखते हैं लिमिट, क्या लिमिट है, लिमिट शॉर्ट वर्ड आ रहा है दोनों जगह, ये देखो आई वाला अपना रूल फॉलो हो रहा है। लिमिट, ले ई की मात्रा ली, मैं ई की मात्रा ली, मी टेन, ये हो गया टेन, ये हो गया अपना लिमिट, ली मी टेन। तो दोनों में हमने ई की मात्रा लगा दी। यहाँ पे देखो एक वाउ साउंड और जो हमने अभी पढ़ा नहीं है वो आएगा यहाँ पे, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड नहीं है, सॉलिड ओ है ये, औ नहीं है, तो सॉलिड। पहले देखो सह, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा नहीं है, बड़ा ओ नहीं है, तो ये जो ओ है वो ऐसे लिखा जाता है, ओ का सिंबल मेरा बताया हुआ है, ओ का सिंबल इस टाइप से करके ऐसे लिखा जाता है, तो ये होता है अपना ओ का सिंबल। ली, ई की मात्रा, सो ली, डे, ये अपना हो गया डे। तो देखो सो ली डे, यहाँ पे तो अपना रूल फॉलो हो रहा है, कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट अपना आ रहा है। ओ की मात्रा हमने यहाँ लगा दी से पे, ओ की मात्रा है, तो ये हो गया सो ली डे। पनिश, पनिश, अब यहाँ पे देखो क्या है, जो हमने ये जो एस साउंड हमने किया था इसमें क्या था, कंसोनेंट प्लस यू प्लस कंसोनेंट है, ये जो ए सिंबल है इसमें क्या है, कंसोनेंट प्लस यू प्लस कंसोनेंट अगर है तो हम इस यू का ए करते हैं, ये हमने ए सिंबल में किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हो, आपको ये जो रूल है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं वो भी आपको याद रखने बहुत जरूरी है, और यहाँ पे वैसे भी रिवाइज भी अपने हो रहे हैं। तो करते हैं हम पनिश, पर इस यू का हो जाएगा ए, पर निश, नी, कंसोनेंट प्लस आई प्लस कंसोनेंट अपना, तो ने पे ई की मात्रा, ने, ई की मात्रा, पनी, शे, शे, अभी मैंने शिप में बताया आपको शे कौन सा, तो ये हो गया अपना पनिश, और ये अपना स्लेंट वा, पनिश। इनकम, 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 इन, ये इन हो गया कम, सी ओ एम ई कम, जब हमने ये ए सिंबल किया था हमने कम का लिखा था, ये लो कम, कम का हमने ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ है कम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इन कम, ये इनकम हो गया इन कम। तो ऐसे आपको करना होता है कि हम कैसे करें इसका ट्रांसक्रिप्शन, हम भूल रहे हैं तो भूलना नहीं है, हम टुकड़ों में कर रहे हैं इसका, एकदम आसानी से एकदम इजीली हो रहा है अपना सारा। स्किल, स्किल,
सर फिट ये है तो कह ई की मात्रा स्किल ले स्किल। इसके अलावा अगर हम और जैसे मैंने सिंगर का बताया आपको, सिंग तो ये हो ही गया, मान लो सिंगर का आ जाए तब हम क्या करेंगे? देखो सिंगर का हम करते हैं सिंगर है, मान लो सिंगर का अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करें सिंग तक तो चलो करते हैं ये सिंगर। अब सिंग के बाद में स्पेलिंग और भी आगे आ रही है, देन हमें जी लिखना पड़ेगा। गए जो हम यहाँ पे अंग तक कर रहे थे, गए का हम जो प्रोनंसिएशन जो हम बोल रहे हैं, गए का मैंने साउंड बताया था, मैंने सिंबल बताया था, साउंड क्या सिंबल बताया था, सिंबल गए का सिंबल मैंने ये बताया था। अब हमें यहाँ पे ये सिंबल है वो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाएंगे? क्योंकि स्पेलिंग यहाँ पे अपनी कंप्लीट नहीं होती है हमारी, आगे और आ रही है, तो हमें गए को यहाँ शो करना होगा सिंगर। अब ये आ गया स्पेलिंग के लास्ट में, मैंने बोला ई आर ओ आर, अगर आर हो तो हम ये ए लगाएंगे और आर यहाँ ब्रेकेट में। क्यों स्पेलिंग के लास्ट में जरूरी है? लिटररी में स्पेलिंग के लास्ट में नहीं था, बीच में था तो हमने आर लिखा, ए आर वाई लास्ट में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट में ई आर आ रहा है तो हमने ए लिखा है आर को ब्रेकेट में। लिटररी में थोड़ा उल्टा था, बीच में आ गया तो हमने ए नहीं लिखा आर लिखा था, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात, ये आई एन जी पे स्पेलिंग यहाँ खत्म नहीं, आई एन जी का तो हम ये कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग खत्म न होकर के आगे अगर और आती है तो जो हम प्रनाउंस कर रहे हैं, कई बार क्या होता है अंक में भी ये इस तरीके से आता है, लेकिन जब हम अंकल जैसे होता है, अंकल की स्पेलिंग खत्म नहीं होती, जैसे ये अंकल है, अंकल का हम करेंगे इस तरीके से होता है, क्यों हमें कह यहाँ लिखना होता है, स्पेलिंग यहाँ खत्म नहीं हुई, तो यहाँ पे हम सिंगर बोल रहे हैं तो हमें जी है वो लिखना पड़ेगा, तो हमने इसलिए जी यहाँ पे लिखा है, तो इस प्रकार से ये स्पेलिंग है वो यहाँ पे होगी। इसके बाद में अगर हम और करें एबिलिटी, एबिलिटी स्पेलिंग के लास्ट में आई टी वाई, स्पेलिंग के लास्ट में आई टी वाई अगर हो, अटी होता है इसका, क्या होता है अटी, एटी लिख सकते हो आप अपने रूल के अंदर कि स्पेलिंग के लास्ट में आई टी वाई अगर हो तो इसका हम जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अटी करते हैं। ये देखो अभी लटी, अभी लटी, ए प्रीफिक्स के रूप में ए अगर हो हम ए लगाते हैं, ए सिंबल में हमने किया था, इसको स्व भी बोला जाता है, ए बी बै पे ई की मात्रा, ये हो गया बी, अभी लटी, आई टी वाई की ले तो हम लिख दें और आई टी वाई का हमारे पास अटी है, अभी लटी, ये हो गया अपना यहाँ पे अभी लटी। तो इस प्रकार से हमें ये करना होता है। एक और करते हैं रिटर्न। देखो रिटर्न, रिटर्न डब्लू हम यहाँ डब्लू का वह नहीं बोल रहे, हम रिटर्न बोल रहे हैं, रिटर्न आर पे रे पे ई की मात्रा है, रे का सिंबल आर होता है, रिटर्न ये रे ई की मात्रा, रिटर्न टेन ने ये हो गया रिटर्न, रिटर्न। तो इस प्रकार से हम ई सिंबल को यहाँ पे करते हैं। तो आई होप आपको ई सिंबल है वो यहाँ क्लियर हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मैंने पहले बोला आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं किसी वर्ड में अगर डाउट है, देन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ और अगर पढ़ने की इच्छा है किसी और सिंबल के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा समझाने की, कुछ एग्जाम्पल और करवाने की, तो आप वो भी जरूर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास भेजिए। ओके बाय।